दर्शकों के लिए बड़ी खबर दे दें, गुजरात में पहले रुझान के रूप में बीजेपी के पक्ष में 3 आगे और कांग्रेस 1 में आगे है। और आपको बता दें ये आंकड़ा 4 हो गया है, बीजेपी के पक्ष में 4 कांग्रेस 1, 4-1। जी हाँ, शुरुआत में ही चौका है जो पहले मारे सो मीर, तो ऐसा लगता है कि एग्जिट पोल की बात, लेकिन ये बहुत शुरुआती है, छोटे लेकिन शुरुआत में ही 4-1, बीजेपी 4 कांग्रेस 1। जी मैं अभी देख रही थी कि पाटन की सीट पे कांग्रेस आ गए हैं, जहाँ से आनंदीबेन पहले लड़ी हुई थी, वहाँ से कांग्रेस आगे चल रही है, लेकिन 4-1 बीजेपी 4 कांग्रेस 1, ये एक्सपेक्टेड ही था जो आ रहा है अभी से। अच्छा, और फाइट टफ हो गई है, 4-2 हो गया है बीजेपी के पक्ष में 4, कांग्रेस के पक्ष में 2 गुजरात से। वो होने वाला है पाटन में, जो कांग्रेस आगे चल रही है, और अहमदाबाद सिटी में बीजेपी 4-2 बीजेपी के पक्ष में 4, कांग्रेस के पक्ष में 2। बहुत इनिशियल स्टेज है इस पे कमेंट करना अभी। जी लग रहा है आपको 4-2 शुरुआती रुझान बीजेपी है, वो आगे है, इसका बिगिनिंग अच्छी है, लेकिन इट इज टू अर्ली टू प्रेडिक्ट। बीजेपी 4 पर आगे, कांग्रेस 2 पर आगे, पहले की तुलना में कांग्रेस की स्थिति इस बार अच्छी रहेगी, ये निर्विवाद है। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है घाटलोडिया से, जहां से आनंदीबेन पटेल लड़ी हैं, वहां से बीजेपी आगे चल रही है घाटलोडिया से। वही एंटी एस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है, क्योंकि वहां पर शायद ऐसा हो सकता है कि लोग उब आए हैं, और इसी की वजह से ये उम्मीद थी कि ऐसा ही होगा, और शायद ऐसा होने जा रहा है। घाटलोडिया से बीजेपी आगे चल रही है। चित्रा के पास एक बड़ी जानकारी आ रही है, चलते चित्रा के पास। देखिए, जैसा कि पहले से अनुमान लगाया जा रहा था, कच्छ को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी 2 सीटों से आगे चल रही है। आपको बता दें कि पहले यानी कि 2012 में 5 में से 4 सीटें बीजेपी ने यहां से जीती थी, और इस वक्त की बड़ी खबर जो कच्छ से सामने आ रही है बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। बीजेपी कच्छ में 2 सीटों पर इस वक्त आगे बढ़ रही है, और जिसने कच्छ नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा, मोदी जी ये कहते रहे कच्छ के लोगों के बीच जाकर, और वही स्थिति इस वक्त कच्छ में बनती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल आंकड़े आपके सामने है, 182 में से 6 पर इस वक्त रुझान सामने आया है, बीजेपी 4 कांग्रेस 2 पर। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।